नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रतन चैनल में। तो आज ये कंटिन्यू में वीडियो में लेकर आ रहा हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस के 100 से लेके 150 तक क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपके आने वाले पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो भर्ती होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंजमेंट ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड इज़ कॉल्ड। जो हम अरेंजमेंट होती है ना कीज़ की कीबोर्ड में, उसको हम क्या बोलते हैं? होम अरेंजमेंट, क्वालिटी अरेंजमेंट, बेसिक अरेंजमेंट या जनरल अरेंजमेंट। तो इसका सही उत्तर है क्वालिटी अरेंजमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, विच जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड ट्रांजिस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो यूज़ करते थे ट्रांजिस्टर। सबसे पहले ट्रांजिस्टर जो थे वो सेकेंड जनरेशन के में यूज़ किए गए थे। थर्ड है, वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट किस चीज़ का कलेक्शन होता है? पहला ऑप्शन है वेब पेजेस, ग्राफिक फाइल्स, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबव। जो वेबसाइट होती है उसमें सब कुछ होता है, ठीक है, वेब पेज भी होता है, ग्राफिक फाइल्स भी होता है, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स भी होती है। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंच कार्ड। सबसे पहले पंच कार्ड जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका सही उत्तर है हरमन हॉलेरिथ ने। नेक्स्ट है, द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाई इंटरनेट। इंटरनेट के लिए हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो इसका सही आंसर है TCP/IP। TCP/IP के फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट है, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड यूज़ विच कमांड। अगर हमने कॉपी करनी है कोई भी पिक्चर, ठीक है, स्क्रीन से कहाँ पे? क्लिपबोर्ड में, तो हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? प्रिंट स्क्रीन। नेक्स्ट है, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बाबेज। नेक्स्ट है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज़। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की ब्रेन कौन सी होती है? उसका CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड अ सुपर कंप्यूटर। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर होता है, उसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है? तो इसका सही उत्तर है, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, वाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मैनी एज प्रोग्राम कंकरेंटली, ठीक है। मतलब सुपर कंप्यूटर क्या करता है, कुछ ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा लेकिन बहुत फास्ट करेगा, जितना ज़्यादा हो सके, जबकि मेन फ्रेम क्या है, वो पावर यूज़ करेगा अपनी, अगर उसने कंकरेंटली प्रोग्राम को अपने एग्जीक्यूट कराना है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कौन सा रिसोर्स है जो मोस्ट लाइकली हम शेयर करते हैं? तो उसका सही आंसर है प्रिंटर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब हैकर्स। हैकर क्या होते हैं? ब्रेक इनटू अदर पीपल कंप्यूटर, जो दूसरों के कंप्यूटर के अंदर का कुछ ना कुछ चीज़ इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, लाइक वायरस वगैरह। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉसेस। उसको हम क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम को जिसका हम यूज़ करते हैं, अगर हमने कुछ भी फॉल्ट या उनके कुछ जो कारण है उनको हमने फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं हम डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुकीज़ तो आपको पता है, हिस्ट्री वेबसाइट की होती है उसमें कुकीज़ आती है। बूट डिस्केट्स अलग चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के एक्सटेंशंस अलग चीज़ है, ओके। नेक्स्ट है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हम क्या यूज़ करते हैं? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर कौन सी जनरेशन में यूज़ कर रहे थे हम? सेकेंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में क्या है? वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्स। नेक्स्ट है, पर्सनल हु डिज़ाइन प्रोग्राम ऑपरेट एंड मेंटेन कंप्यूटर इक्विपमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, जो डिज़ाइन करता है, प्रोग्रामिंग करता है, ऑपरेट करता है और मेंटेन करता है कंप्यूटर इक्विपमेंट्स को, उसको हम बोलते हैं पीपल वेयर, ठीक है। नेक्स्ट है, अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम सिमिलर टू अ वायरस विच वॉज टेकन फ्रॉम अ 1970s साइंस फिक्शन नावल बाई जॉन ब्रूनर एंटाइटल द शॉक वेव राइटर। उसको हम क्या कहते हैं? वॉर्म। वॉर्म इज़ बेसिकली अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम। नेक्स्ट है, द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग इज कॉल्ड। तो मॉडम जो होता है
मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर मॉडम की फुल फॉर्म होती है। ये क्या करता है, डिजिटल डाटा को एनालॉग डाटा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा होता है हमारा, हमारा जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये हमारा एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है। ऑन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर इन, कौन सी जनरेशन में रियल टाइम सिस्टम पॉपुलर हुए थे, तो ये थे थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर और थर्ड में रियल टाइम सिस्टम्स आए थे। अब बोला है सिलेक्ट द ऑड वन, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्रेटर कंपाइलर असेंबलर, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इनमें अलग है, ठीक है। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस डाटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्जीक्यूटिवली विद, कंप्यूटर जो करता है प्रोसेस करता है किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में, कैसे, वर्किंग विद नंबर्स, ओके। नेक्स्ट है अ डिवाइस दैट कन्वर्ट टू अ नेटवर्क विदाउट द यूज़ ऑफ केबल इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, फ्री नेटवर्क, सेंट्रलाइज नेटवर्क, तो इसका क्या है, नन ऑफ दिस। जो डिवाइस जो कनेक्ट करता है नेटवर्क को विदाउट द यूज़ ऑफ केबल्स, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, राउटर हो सकता है, ठीक है, वायरलेस नेटवर्क बोलते हैं उसको हम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर, इसमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है, 001, 101, 202 और 110, 202 जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाइनरी नंबर जो होते हैं वो 0 और 1 इन्हीं डिजिट से बनते हैं। कलेक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज नोन एज क्राइम ऑफ, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर उसको कहीं भी पोस्ट कर देना वो कहलाती है आइडेंटिटी थेफ्ट, ओके, क्या कहलाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में पासवर्ड यूज़ करते हैं जिससे कि कोई भी है जो वो हमारे सिस्टम में एंटर ना कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर इज़ मीडियम साइज कंप्यूटर, कौन सा, मिनी कंप्यूटर जो होता है वो मीडियम साइज होता है। नेक्स्ट है, डैस आर द सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द डाटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट, सेट ऑफ रूल्स किसको कहते हैं, हम प्रोटोकॉल्स को कहते हैं, सेट ऑफ रूल जिस जो क्या कंट्रोल करता है, प्रोसीजर है मतलब रूल्स होते हैं जिससे हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं नेटवर्क पे, ठीक है, इंटरनेट पे। CPU कंप्राइज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ALU। नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो माउस जो होता है हमारा पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कुड असिस्ट समवन हु कैनॉट यूज देयर हैंड्स फॉर कंप्यूटर इनपुट, अगर मान लो कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे अगर कोई अपना हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो होता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। व्हाट डू यू कॉल द ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज कोड एज आउटपुट, तो असेंबलर जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज को लेता है इनपुट और आउटपुट देता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है, व्हाट कंप्यूटर वायरस होल्ड द रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट वाइडस्प्रेड कंप्यूटर वायरस, उसका नाम था आई लव यू। नेक्स्ट है, शॉर्टकट की फॉर चेंज केसेस, चेंज केस मतलब अपर केस करना लोअर केस करना, उसके लिए हम क्या दबाएंगे, शिफ्ट प्लस F3। नेक्स्ट है, हाउ मेनी शीट्स आर देयर इन एक्सेल वर्कबुक बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स खुलती हैं, 3। एंड्रॉयड कब आया था, 2003 में, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन अवेलेबल मेमोरी, कौन सी मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है, रजिस्टर, ठीक है, रैम होती है, डी रैम होती है, प्रोम होती है, ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम होगी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, प्रोम होगी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज, कौन सी लैंग्वेज जो है वो MS वर्ड यूज़ करता है अगर मैक्रोज को क्रिएट करना है, तो यूज़ करेंगे हम विजुअल बेसिक। नेक्स्ट है, विच शॉर्टकट की यूज फॉर कैलकुलेटिंग करंट शीट इन MS Excel, कौन सी शॉर्टकट की हम यूज़ करेंगे अगर हमने कैलकुलेशन करनी है करंट शीट में MS Excel में, तो हम यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस F9। वेबसाइट इज़ क्या, डाटा है, सर्च इंजन है या कुछ भी है, वेबसाइट क्या है, बेसिकली एक एड्रेस है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होती है। NIC क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है।
ये सीपीयू में लगा होता है। नेक्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर, उसको क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। उसके बाद है विच फाइल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टार्ट एमएस वर्ड? विनवर्ड डॉट ई एक्स सी। अगर इसको हम कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर टाइप करेंगे विनवर्ड डॉट ई एक्स सी, तो हमारा जो है वो वर्ड प्रोफाइल, वर्ड की फाइल जो है खुल जाएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम इन एमएस वर्ड? स्मॉलेस्ट विड्थ कितनी होती है कॉलम में, कॉलम की? ये थी 0.5 इंचेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ गया फुल फॉर्म पे। एफटीपी स्टैंड्स फॉर, एफटीपी होता है बेसिकली फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सीआरटी क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। फर्स्ट वीडियो में आपको बताया गया था कंप्यूटर अवेयरनेस की कि सीआरटी जो होता है वो हमारा मॉनिटर कैसे होता है। ठीक है, तो ये तो होता है, क्या होता है? कैथोड रे ट्यूब। कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर के इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? शायद ही अभी तक मेरे को लगता है कि जो सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं या जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें कंप्यूटर की फुल फॉर्म पता होगी। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, द हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर, क्या बोलते हैं हार्डवेयर पार्ट को? फिजिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू क्लोज द प्रोग्राम? अगर हमने कोई प्रोग्राम क्लोज करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट यूज़ करेंगे? Alt+F4। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू डिवाइसेस ऑन द इंटरनेट लैन इज, बोल रहे कौन सी स्पीड होती है कम्युनिकेशन की? ये होती है 10 Mbps, 100 Mbps, ये दोनों ही स्पीड होती है। ठीक है, इथरनेट लैन के अंतर्गत। इन एक्सेल विच की यूज फॉर फॉर्मेट नंबर इन परसेंटेज फॉर्मेट? अगर हमने किसी नंबर को परसेंटेज फॉर्मेट में लाना है तो हम कौन सी की दबाएंगे? Ctrl+Shift+5। DSL, DSL क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। जल्दी आप तक नई वीडियो बताऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।